हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं कुणाल सिंह और टेक्निकल एनालिसिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली मेरा जो प्लान होता है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से एंट्री कर सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए भाइयों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट सब करें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ में आपको एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट प्लान मिल सके। बेसिकली ये मेरा ड्राइंग टूल है, ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है अभी, बट ठीक है, मैं आपको इसको बाद में अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं इसमें ट्रेड पे फोकस करते हैं। जैसे कि एक ट्रेड मैंने अभी यहाँ से इनिशिएट किया हुआ था यहाँ से, क्योंकि मुझे हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पॉइंट्स मिल गए थे। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं मेरा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है। बट मैं चाह रहा था कि अगर ये लॉस पे जाता है तो मैं इसको कहाँ पे क्लोज़ करूँगा। मेरा ये ऑलरेडी प्लान रहता है पहले से ही। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू इशू दे रहा है मेरे को काफ़ी दिनों से। तो जैसे ये मेरा ऑलरेडी ट्रेडिंग प्लान रहता है, बस मेरा तो ये प्लान है कि बस अब मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे लिए ट्रेड ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे अपना एसएल ले रहा हूँ, प्रॉफिटेबल एसएल होता है मेरा हर बार, क्योंकि मैं अपना यानी कि एकदम लॉजिकल माइंडसेट के साथ एंट्री और एग्जिट प्लान करता हूँ। मैंने 1:3 प्लान किया था, लेकिन मेरा ऑलरेडी एसएल हिट हो गया है, क्योंकि मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ ट्रेड करता हूँ। अगर मुझे दिखता है कि भाई एग्जिट लेना चाहिए तो एग्जिट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं एग्जिट कर दूँ, 1 मिनट। हाँ, मेरे मोबाइल से मैंने एग्जिट कर दिया है, ठीक है। अभी पेपर ट्रेड्स का मैं ऑप्शन चालू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना खुद का P&L शो नहीं करूँगा, ताकि आप लोग को एड्रेनलिन रश ना हो, यानी कि आप एक तरीके से एडिक्ट ना हो जाएं कि वीडियोस देखना है, किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है, पूरा यानी कि एडिक्शन हो जाता है कि हाँ इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट। और तो वो मैं P&Ls वगैरह नहीं डालूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये सबके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो प्रॉपर वे से मैं आपको दिखाऊंगा, कहाँ से पेपर ट्रेड से दिखाऊंगा मिनिमम कैपिटल पे किस तरह से ट्रेड करते हैं। मैं बहुत छोटे ट्रेड्स लूँगा, कोशिश करूँगा कि 20,000 से स्टैंडर्ड लॉट से दिखाऊँ करके, ठीक है। आई मीन 20,000 से दिखाऊँ ट्रेड करके। मैं वैसे कि अलग अलग सेगमेंट्स में भी ट्रेड करता हूँ, क्रिप्टो करेंसी में भी करता हूँ मैं, तो इसलिए मैंने अभी पेपर ट्रेड्स का ऑप्शन सर्च किया है। लेकिन देखते हैं, अगर मिलता है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1:3 का हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा था, यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये देखिए यहाँ पे 1:3 का है, 4 तक गया है। मैंने 1:3 पे इसको बुक किया हुआ, मैंने इसको एनालाइज करने के लिए देखा था कहाँ तक गया है ये। 1:3 कहाँ है, यहाँ बस इतना ही मैंने लिया है। हर बार जब भी मैं एंट्री बनाता हूँ 1:3 का रहता है, इसमें भी 1:3 का ही है। जैसे कि अभी 0.7 पे ही ले लिया अपन ने, बुक कर लिया लॉस, लेकिन ये 3 तक जाता है, क्योंकि अगर ट्रेंड सही नहीं चल रहा है ना तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ। प्रॉफिट आता है लेकिन नहीं आता वो मेरे को नहीं पता, मेरे को इतने से मतलब है भाई हमारा प्रॉफिट जो चल रहा है ना वो प्रिजर्व हो, हमारे कैपिटल सेफ रहें, और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहे। बस इससे ज़्यादा मेरे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है मार्केट से, और मैं दिन के मैक्स मैक्स 5 ट्रेड करना पसंद करता हूँ, और कम से कम 2, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं प्रॉफिट्स बुक करता हूँ, और लेट्स सी कि ये 1:3 को टच करता है कि नहीं करता। मेरा तो ऐसा रेट हो गया है यहाँ पे, प्रॉफिटेबल ऐसा था, ठीक है। तो हमने एंट्री बनाई थी 45,642 पे, और हमने एग्ज़िट लिया है इसके ओपन पे, है ना, यहाँ पे। तो ये हो गया 54,686, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, 40 पॉइंट सब लोग बना लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वो नीचे आ रहा है, एक बार और सपोर्ट लेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी ये जो हाई है ना इसको तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे भी हाई को नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे वो हाई को नहीं तोड़ पाया, तो इस हाई से बार 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 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आएगा यहाँ से बाय, लेकिन एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, एक दो बार रिटेस्ट करेगा इस लेवल को, हो सकता है इसको ब्रेक ही कर दे, लेकिन अपना तो प्रॉफिट बन गया ना, तो उसके अलावा अपन को उससे ज़्यादा नहीं सोचना है।
अगर कहीं प्रॉफिट बन रहा है तो प्रॉपर एंट्री एग्जिट प्लान के साथ बनाइए, अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉपर एंट्री एग्जिट प्लान के साथ बनाइए, ठीक है। मैं आपको हर दिन पेपर ट्रेड्स में दिखाऊंगा लैपटॉप पे कि किस तरीके से आप मिनिमम लॉट पे बना सकते हैं। मैं ज़्यादा बड़े लॉट्स नहीं लूँगा, मैं स्ट्रिक्टली वन स्टैंडर्ड लॉट पे, आई मीन बस वन लॉट पे हम ट्रेड करेंगे, तो उससे हम देखेंगे कि किस तरीके से कितना ग्रोथ कर सकते हैं। और मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम को अभी कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे करता था स्कैल्प, अब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्प करता हूँ। ओके, तो लेट्स सी कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं साथ में सब लोग मिलके। तो बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन, साथ में जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि जो भी वीडियोस में डालता हूँ उसको प्रॉपर वे पे फॉलो कीजिए। आपको किस तरीके से सिखाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। विद इन 6 मंथ आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा मैं ट्रेडर, एक दिन में नहीं होता, यहाँ पे 6 मंथ लगते हैं। अगर 6 मंथ में सीख सकना चाहते हो, सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, तो डेफिनेटली आपको मैं सिखा सकता हूँ। तो प्लीज़ जिसको जिसको सीखना है वाकई में, तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मैं आपको अपना एक दूसरा नंबर का व्हाट्सएप यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, आई मीन दे रहा हूँ, आप उसमें कॉन्टेक्ट कीजिए, तो उससे आप सीधे मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। वो मेरा उसमें कॉल नहीं लगेगा, आप कॉल लगाने की कोशिश करेंगे नहीं लगेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, और बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और देखते हैं आपकी कितने मदद मैं कर सकता हूँ। कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकूँ आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू फॉर टाइम एवरी।